اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد My dear students, I am your physics teacher Shehzad Ahmed. Today we are going through a lecture from physics grade 9 unit 3 dynamics. Please open your book on page number 68. Today our topic is weight. आज हमारा जो टॉपिक है वो वेट के बारे में है, जो कि आपकी बुक नंबर 9 की बुक यूनिट 3 डायनामिक्स में पेज नंबर 68 पर मौजूद है. प्लीज़ बुक खोल लें. देखिए बेटे, हम फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं. फोर्स क्या होती है आप जानते हैं. फोर्स इज एन एजेंट विच कैन प्रोड्यूस मोशन और टेंड्स टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी और विच कैन स्टॉप मोशन ऑफ अ बॉडी और टेंड्स टू स्टॉप मोशन ऑफ अ बॉडी. अब इसी तरह हम देखते हैं कि वेट एक फोर्स है. क्यों फोर्स है वेट, सवाल ये पैदा होता है वाई वेट इज़ अ फोर्स. तो हम देखते हैं जब भी किसी चीज़ को बुलंदी से छोड़ा जाता है तो हमेशा ज़मीन ही का रुख करती है. यानी कोई भी चीज़ जो आज़ादाना बुलंदी से छोड़ी जाएगी, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, हल्की हो या वजनी हो, उसका रुख हमेशा ज़मीन की तरफ होता है और ज़मीन की तरफ ही गिरती है. यहाँ इस बात पर गौर किया गया कि तमाम चीज़ें ज़मीन की तरफ क्यों आती हैं. लिहाजा ये कंसेप्ट पैदा हुआ कि ज़मीन में वाकई कोई ऐसी फोर्स है जिससे ज़मीन किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है, लिहाजा इसी फोर्स का नाम वेट रख दिया गया. अब देखिए वेट किसे कहते हैं, वेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे. तो आप अपने इसी जो ऑब्जर्वेशन है इसको मद्देनज़र रखते हुए इसको डिफाइन करने की कोशिश करें. लिहाजा हम कहते हैं वेट इज़ अ फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर. वेट इज़ अ फोर्स बाई विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर. यहाँ देखिए मैंने इस आपको लिख भी ली है इधर अलग से. देखें वेट द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट. यानी वेट क्या चीज़ है, वो फोर्स है कि जिससे ज़मीन किसी भी चीज़ को अपने मरकज की तरफ खींचती है. अब मरकज का आइडिया कहाँ से हुआ, तो मालूम ये हुआ कि वेट एक ऐसी फोर्स है जो लोकेशन पर डिपेंड करती है. यानी एक चीज़ ज़मीन के सेंटर से दूर होती है तो उसका वज़न कम होता है, जब वो ज़मीन के सेंटर के करीब होती है तो उसका वज़न ज़्यादा होता है. लिहाजा पोल्स पर देखा गया, साउथ पोल नॉर्थ पोल पर, कि वहाँ पर चीज़ों का वज़न बढ़ जाता है. चूँकि ज़मीन वहाँ पर दोनों साइडों पर यानी पोल्स पर से दबी हुई है, यहाँ पर ज़मीन का सेंटर करीब हो जाता है सरफेस के, यही वजह है कि यहाँ पर जाकर वेट चीज़ों का ज़्यादा हो जाता है. लिहाजा हम कहते हैं वेट इज़ अ फोर्स ऑफ अर्थ डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट नॉट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट. यानी देखें बेटे, प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट हम ये लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब क्या हुआ. देखिए हम कहते हैं फोर्स डिपेंड करती है लोकेशन पर, कोई चीज़ कहाँ मौजूद है. ये नहीं है कोई चीज़ कैसी है, ये कैसी है ये क्या, ये प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी को हम मास कहते हैं. मास क्या चीज़ है, ये किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है. आप जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, मास इज़ क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी. किसी चीज़ के अंदर जो मैटर की क्वांटिटी होती है उसको मास कहा जाता है. देखिए मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक बुक है और बुक के अंदर 100 पेजेस हैं, हर पेज एक मैटर है. तो ये 100 क्या हुआ, ये क्वांटिटी ऑफ मैटर हुआ. लिहाजा इस बुक का मास क्या होगा, नंबर ऑफ पेजेस, कितने पेज हैं जी, 100 पेज हैं. सो 100 पेजेस इज द मास ऑफ दैट बुक, यू कैन से दैट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर. लिहाजा ये मास पर डिपेंड नहीं करता,
समझ आ गए। ये डिपेंड करता है ज़मीन से लोकेशन पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखें कि वेट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ द बॉडी, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी आर वी कैन से दैट ऑन द मास ऑफ द बॉडी। फार्मूला क्या है इसका? तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन आप जानते हैं फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम ए। अब एफ फोर्स है, यहाँ पे फोर्स क्या वेट है, तो एफ को आप चेंज कर देते हैं वेट के साथ, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम अपनी जगह पर आ जाता है, और जी, जी क्या है, ये ग्रेविटी है यानी अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, जैसे ए की जगह ग्रेविटी तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। यूनिट क्या बनेगा इसका आप जानते हैं, एम जो होता है किलोग्राम होता है, और जी क्या है ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, दोनों का प्रोडक्ट निकालें तो एक डिराइव यूनिट बन जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि न्यूटन के बराबर है, इट इज़ आल्सो डिवाइड बाई एम। बात समझ आ गई बेटे आपको? तो ये आज हमारा टॉपिक था जिसको आप कहते हैं वेट। और याद रखिए बात, मास में और वेट में कुछ बुनियादी फ़र्क पाए जाते हैं। मैं आपको एक फ़र्क बताता हूँ, बल्कि दो बता देता हूँ चलें। पहला फर्क ये याद रखें कि मास जो है ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, और वेट चूँकि देखें डिपेंड करता है लोकेशन पर, लिहाजा ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, राइट। नंबर दो, दूसरा फर्क जो बुनियादी फर्क बता रहा हूँ, मास डायरेक्शन लेस क्वांटिटी है यानी इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और वेट जो है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। देखिए हम जब डिफाइन भी कर रहे थे तो हमने कहा कि वेट क्या है, ये वो फोर्स है जिससे ज़मीन किसी चीज़ को अपने सेंटर की तरफ, की तरफ का जब लफ्ज आ जाए, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स मीन्स टू द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर, तो लिहाजा ये एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है, तो इसको आप जो है तो वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। समझ आ गए बेटे आपको? ठीक हो गया, थैंक यू। अगला हमारा टॉपिक है पेज नंबर 69 पर। देखिए ये एग्जांपल मैं वो करा चुका हूँ, 3.1 एग्जांपल भी मैंने वो कराई थी, एग्जांपल 3.2 भी मैंने कराई थी आपको, और मैंने आपको ये कहा था कि आपका जो असाइनमेंट है 3.1 और असाइनमेंट 3.2 ये आपने ख़ुद करनी है, ठीक है, इस पर ट्राई करें। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो आप जो है तो मुझसे मेरे फ़ोन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ग्रुप में आपको मेरा फ़ोन नंबर जो है तो क्लास टीचर ने सेंड किया होगा, ना हो तो आप स्कूलों से पूछ कर मुझे मेरा नंबर लेकर उस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है बेटे। वैसे मेरा ख्याल है आपको रब्ता करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप करेंगे जैसे एग्जांपल है वैसी ही बिल्कुल कॉपी पेस्ट की तरह, जैसे कॉपी और पेस्ट होते ना वैसी ही असाइनमेंट है, सिर्फ वैल्यूज का फ़र्क है, बाकी कोई चीज़ नहीं। अब हम आ जाते हैं, अगला हमारा टॉपिक है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम ये है आपका अगला टॉपिक, पेज नंबर 69, पेज नंबर 69, यूनिट 3 डायनामिक्स। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 9 की, ठीक है। अब देखो बेटे एक बात याद रखें, मोमेंटम क्या चीज़ है, मैं आपको पहले मिसाल देता हूँ। देखें एक बुलेट होती है, बुलेट गोली, ये बहुत तेज मूव कर रही है, और दूसरी तरफ एक ट्रेन है, ये गोली के मुकाबले में स्लो मूव करती है। अब ट्रेन का मास बहुत ज़्यादा है और गोली का मास बहुत कम है, लेकिन यानी दोनों में आप देखें बुनियादी फ़र्क हमें पता चल गया क्या है, कि ट्रेन का मास ज़्यादा है और बुलेट का मास कम है, मतलब ये कि दोनों के अंदर मास मौजूद है, एक का मास ज़्यादा और एक का मास कम। और आप लोगों को पता है मास इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास जो है तो किसी भी ऑब्जेक्ट की एक बुनियादी खासियत होती है या खसूसियत होती है। अब दूसरी चीज़ क्या है, वो वेलोसिटी है। वेलोसिटी मीन्स एक डायरेक्शनल स्पीड है। वेलोसिटी किसे कहते हैं, सिंपल बात, जब कोई बॉडी मूव करती है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसको वेलोसिटी कहते हैं। लिहाजा इस वक्त स्पीड ट्रेन की भी है और स्पीड जो है वो बुलेट की भी है,
तो जब हम देखते हैं कि वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दें उनके मास के साथ m इंटू वी, तो आपके पास बन जाएगा mv बन जाएगा। तो प्रोडक्ट अगर आप देखते हैं तो दोनों का बाज़ुकात बराबर आ जाता है, बल्कि हो सकता है कि बुलेट का जो m और v का प्रोडक्ट है वो ज़्यादा हो उससे। तो लिहाजा यहाँ पर जो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है इसका एक कलेक्टिव नेम हमने रख दिया, एक टर्म हमने बना दी, इसको आप कहते हैं मोमेंटम। लिहाजा मोमेंटम क्या चीज़ है, देखिए बच्चे, मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम को आप लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हैं। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी। देखिए सिंपल बात है, मोमेंटम क्या चीज़ है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, इसको मोमेंटम कहा जाता है। मैथमेटिकली कैसे कहेंगे, सिंपल है, पी इज इक्वल टू एम वी। पी क्या चीज़ है, इट इज सिंबल यूज फॉर मोमेंटम, एम मास है और वी क्या चीज़ है, ये वेलोसिटी है। अब याद रखिए बात बेटी कि एम जो है एक स्केलर क्वांटिटी है मास, और वेलोसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब आप एम क्रॉस वी करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, इसको आप कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है कि जिसका आंसर, ऐसा प्रोडक्ट जिसका आंसर एक वेक्टर हासिल होता हो। देखें मास स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी अ वेक्टर क्वांटिटी, प्रोडक्ट ऑफ बोथ इज मोमेंटम विच इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम की भी डायरेक्शन होती है। तो मोमेंटम क्या चीज़ हुई, मोमेंटम असल में मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन है, कोई चीज़ मास के होते हुए किस तरह हरकत करती है इसको मोमेंटम कहेंगे। सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, पी इज इक्वल टू एम वी। पी के ऊपर भी एरो बनाएंगे क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वी पर भी एरो बनाएंगे क्योंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मास जो है चूँकि स्केलर है इसके ऊपर एरो बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब यूनिट क्या होगा इसका, तो यूनिट देखें एम और वी को मिलाकर बनाएं, सिंपल बात है। एम क्या चीज़ है, ये किलोग्राम है, और वी क्या चीज़ है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर लुक हियर प्लीज, किलोग्राम इट इज़ फॉर दिस एम, मीटर पर सेकेंड इट इज़ फॉर दिस वेलोसिटी। सो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आर न्यूटन सेकेंड, इसको आप न्यूटन सेकंड भी कह सकते हैं, डिवाइड बाय ns। सो वी कैन से दैट इट इज़ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। ये किसी भी बॉडी में जो मोशन की क्वांटिटी है उसको कहते हैं। इसकी एक सिंपल मिसाल और ले लें, चलें एक रिक्शा है फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसका जो वेट है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 100 kg है, 100 kg उसका वेट है। और दूसरी तरफ एक कार है और उसका जो मास है वो 1000 kg है। अब एक का मास 100 kg और दूसरे का मास 1000 kg। अब देखिए रिक्शा जो है मूव करता है 10 km/s की स्पीड से, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 100 × 10, क्या बन गया मोमेंटम 1000 newton second या 1000 kg/s। दूसरी तरफ कार का जो मास है वो 1000 है, इसको आप इसकी वेलोसिटी है 1 m/s। तो 1000 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास बन जाता है 1000। ठीक है, मिसाल मैं आपको करके बताता हूँ, देखें तो लुक हियर प्लीज, ये यहाँ पर अगर आपको नज़र आता है, देखें ये है मास 100 kg, यह है वेलोसिटी 10 m/s। पी क्या बन जाएगा एम वी, पी इज इक्वल टू 100 × 10, पी इज इक्वल टू 1000, ठीक है जी, न्यूटन सेकेंड। ये आपके पास हो गया मोमेंटम।
ठीक है बेटे। दूसरी तरफ आप देखें, मिसाल के तौर पर ये आपके पास है m इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम और वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, पी इज इक्वल टू एम वी, पी इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1000 न्यूटन सेकेंड। अब देखें, अब यहाँ पर आप देखें फर्क देखें, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10 है और ये 1 है, मल्टीप्लाई किया दोनों का मोमेंटम सेम आते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा बेटे, इसको साथ साथ याद भी करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।